देखो क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, और क्वेश्चन दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स इन द रेशियो 64:125, मतलब कि दो स्फेयर दिया हुआ है और जिसका वॉल्यूम का जो रेशियो है 64:125 दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि हमें जो देखो स्फेयर के लिए सब साफ सीधी बात है, स्फेयर के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और जब रेडियस मिल जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ भी पूछो हम निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले गिवन है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ये दिया आपका 64 अपॉन में 125। ठीक है, दो स्फीयर है, एक छोटा, सिंपल सी बात है, एक छोटा एक बड़ा होगा, है ना। अगर बराबर हो जाएगा कितना हो जाता है, 1/1 हो जाता है, लेकिन ये दोनों स्फीयर अलग अलग है, इसलिए दोनों का रेशियो भी अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मान चलिए पहला स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, इसके रेडियस को R1 मान लो और इसके रेडियस को R2 मान लो, ये इसका सेंटर O1 है और इसका सेंटर O2 है। ठीक है भाई, अब इसके बाद इसमें जो है, इस दोनों, एक का छोटा रेडियस है, एक का बड़ा रेडियस है, दोनों का वॉल्यूम निकाल लो। एक का हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³ स्क्वायर नहीं, 4/3 π, देखो पहले वाले का कितना है R1, तो R1 का क्यूब अपॉन में 4/3 π R2 का क्यूब इक्वल्स टू आपको दिया है 64 अपॉन में 125। आप ध्यान से देखो तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू 64 अपॉन में 125। इस 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो इधर है R1 का क्यूब, इधर है R2 का क्यूब, तो ऑन कंपेयरिंग R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा और R2 का वैल्यू, दोनों का रेडियस R1 और R2 मेरे पास आ चुका है, यानी R1 आपके पास आया है 4 सेंटीमीटर और R2 आया है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आपके क्वेश्चन में आगे बोला गया कि इसके सरफेस एरिया का क्या निकालो, रेशियो निकालो, है ना, वॉल्यूम तो पहले दिया हुआ था, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का क्या होगा रेशियो, तो आपको पता है कि 4π R1 का स्क्वायर, है ना, स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया 4π R²। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा आपका R1 और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा R2, 4π R2 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर, R1 आपको अभी मैंने तुरंत फाइंड किया है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, और ये जगह 16 अपॉन में। क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटालिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर अ सिलिंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर ड्रिल्ड आउट। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक दिया हुआ है, सॉलिड है ये पूरा ये, और इसमें से एक सिलेंडर के शेप में ड्रिल्ड आउट, मतलब होता है कि इसमें से काट करके बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये सिलेंडर वाला पार्ट, इसमें से काट करके बाहर कर दिया गया। बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक,
बोला अब जो सरफेस एरिया बचा है उसका, उसको फाइंड करना है आप। देखो कैसे करेंगे आप, ये पेज नंबर 175 है सपोर्ट मटेरियल का, 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 37 है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें सरफेस एरिया कौन कौन सा है। बहुत आसान लग रहा है, बच्चा भी बोलता है बहुत आसान है। बच्चा गलती क्या करता है, ये अंदर वाला जो सरफेस एरिया उसको ऐड नहीं करता है, वो समझता है भैया वो सरफेस एरिया नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जब भी आपको सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो कोई भी आपको सॉलिड दे दे शेप्स, तो उसमें आप ये देखने की कोशिश करना कि किस किस चीज को मैं टच कर सकता हूं, वो सारे वो सरफेस एरिया में काउंट होगा। अब देखो ये यहां से सिलेंडर शेप में कट कर दिया गया, तो आप इसके अंदर टच कर सकते हो, नहीं पूरे अंदर में जो भी पार्ट है, और बाहर तो टच कर ही सकते हो। इसमें से प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा, इस चीज को ध्यान सुनो आप। सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, किसका, क्यूबॉइड का। उसमें से ये दोनों सर्कल का माइनस कर दो, तो दोनों सर्कल तो सरफेस एरिया गायब हो गया, सर्कल वाला पार्ट थोड़ी टच कर सकते हो, क्या कर सकते हो टच, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का अंदर वाला उसको टच कर सकते हो, तो वो प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, ये हो गया आपका क्यूबॉइड का, ठीक है। प्लस अब उसके बाद हम ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे, 2πRH, 2πRH, ठीक है, ये उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। और उसमें से ये दोनों सर्कल वाला पार्ट माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाला भी पार्ट माइनस और ये वाला भी पार्ट माइनस, और इसका डायमीटर दिया 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। बाकी लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर दिया कीबोर्ड का, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। और इसमें से माइनस कितना करना होगा, 2πR², क्योंकि एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो सर्कल कितना हो जाएगा 2πR², ये माइनस करना होगा। देखो इस दोनों में ना कुछ कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो और इजी हो जाएगा, जहां भी कॉमन है पहले कॉमन है उसको कॉमन ले लो तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यहां पे 2πR, यहां पे भी 2πR है, तो 2πR कॉमन ले लो, 2πR कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा एच, ठीक है, यहां पे एच बचेगा और यहां पे एक बार आर बचेगा, एच माइनस आर, क्योंकि यहां माइनस था इसलिए माइनस आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, अब देखिए लेंथ है आपके पास 15 मल्टीप्लाई ब्रेथ है आपके पास 10 प्लस, फिर ब्रेथ है आपके पास 10 और हाइट है 5 प्लस, फिर हाइट है आपके पास 5 और लेंथ है आपके पास 15 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7/2 और हाइट है आपके पास सिलेंडर का हाइट, देखो सिलेंडर का हाइट कितना होगा, तो जो हाइट इसका होगा, किसका, इस क्यूबॉइड का, है ना, यानी इसका हाइट हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर सिलेंडर का, यानी 5 माइनस 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5, यहाँ पे 3.5 लिखेंगे। और ये सब जो है सरफेस एरिया के बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 है, पेज नंबर 176 सपोर्ट मटेरियल क्लास 10th। बोला सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, बोला कि सॉलिड जो है कैसे बना हुआ है, तो कौन के ऊपर क्या है कि हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया है, उसके ऊपर रखा गया है आइसक्रीम के शेप में कह सकते हो आप। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज 3.5 सेंटीमीटर, इसका कौन का भी और इस हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर, इस पूरे सॉलिड का जो हाइट है 9.5 सेंटीमीटर है। बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। देखो कैसे करेंगे, आपको सिंपल सा बात पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों का, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देना, यानी कौन का वॉल्यूम प्लस, यानी स्फीयर का वॉल्यूम प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब सवाल होता है बच्चा कहां कंफ्यूज होता है, टोटल हाइट, तो टोटल हाइट का मतलब ये होता है कि इस दोनों को मिला के टोटल हाइट 9.5 है, जिसमें से ये तो रेडियस के बराबर होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके हाइट के बराबर हो जाएगा, कौन का हाइट, तो रेडियस 3.5 है, तो टोटल में से 3.5 क्या कर लो माइनस,
ये कोन का हाइट आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये क्या है 6 सेंटीमीटर, ये कोन का हाइट है। कोई दिक्कत? अब मुझे वॉल्यूम जो जो चाहिए था मिल चुका है, अब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस दोनों को क्या कर देंगे, वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसमें वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाय थ्री, पाई आर स्क्वायर एच बाय थ्री प्लस, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बच्चा क्या करता है एग्जाम में कंफ्यूज होता है, कहने मतलब ये कि वो क्या करेगा आपको कि दोनों के पाई में फिर दोनों जगह आर का वैल्यू पुट करता है, फिर उसको दिक्कत होता है सॉल्व करने में। आप इस कंडीशन क्या करो, पहले कॉमन ले लो, कॉमन अगर आप ले लेते हो तो आपको एक ही बार तो वैल्यू पुट करना होगा ना, बार बार तो कैलकुलेशन करने जरूरत नहीं है। बच्चा फंसता का है कैलकुलेशन में, थोड़ा सा मिस्टेक होता है पॉइंट का आंसर गलत आता है। तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन है उसको बाहर कर दो, एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर क्यूब यहाँ पे है, मतलब आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, सबको बाहर कर दो। यानी सबसे पहले पाई बाहर कर दो, ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, आर स्क्वायर बाहर आएगा, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, थ्री कॉमन आ जाएगा बाहर। अब देखो यहाँ बचेगा आपका एच, है ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाय थ्री हमने बाहर कर दिया तो सिंपल एच बचेगा प्लस। अब देखो पाई आर स्क्वायर बाय थ्री बाहर करे तो यहाँ पे आर बचा, यहाँ पे टू बचा, यानी टू आर, क्या बचेगा, टू आर। अब इसमें सारे वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपके बुक में पाई की वैल्यू बोलने बोला लेने के लिए कुछ नहीं बोला है, जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम क्या ले लेंगे 22/7। तो 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन में 3, और हाइट आपका दिया हुआ है कौन का हाइट 6, हमें कौन का हाइट लेना है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 3.5। और एक बात याद रखिएगा, ये वॉल्यूम का बात हो रहा है, जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो वहां पे क्या पुट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इससे अगर सरफेस एरिया की बात होती तो वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपके यूनिट का भी हाफ मार्क्स मिलता है जब सीबीएसई स्टेप मार्किंग, जब सीबीएसई में आपको कॉपी चेक होता है वहां पे जो है स्टेप मार्किंग होता है, यूनिट अगर गायब है तो वहां पे हाफ मार्क गायब। बच्चा बोलता है मैंने तो पूरा सही किया था, नंबर कैसे गायब हो गया, तो यही गायब होता है, इसी चीज को ख्याल रखना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब। और देखिए